नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज द्वारा। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूँ आपके साथ रत्नाकर। महाराष्ट्र के जलगांव में बवाल हो गया है। बीती रात दो समुदाय विशेष के लोगों के बीच झड़प हो गई। झड़प के दौरान दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को नियंत्रित किया। झड़प में कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। बच्चों के खेल से झगड़ा शुरू हुआ और फिर आपस में झड़प हो गई। पुलिस ने सेक्शन 144 लगा दी है। ट्रेन के साथ हादसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उड़ीसा के बालासोर में रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी में आग लग गई है। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका, लेकिन आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। चक्रवाती तूफान बिपोजॉय के आने से पहले गुजरात के वलसाड़ के तीथल समुद्र तट पर ऊंची लहरें देखी गई हैं। चक्रवात बिपोजॉय को लेकर अलर्ट जारी करने के बाद वलसाड़ प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर तीथल बीच को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गेमिंग ऐप की आड़ में चल रहे धर्मांतरण के खेल में हर दिन एक नई बात निकलकर सामने आ रही है। आरोपी और बच्चों की चैट से खुलासा हुआ है कि आरोपी किशोरों का माइंड वॉश करके उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह अपने विवादित बयानों के चलते हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे भारत का सपूत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को महाराष्ट्र के दौरे पर है। वे महाराष्ट्र के नांदेड़ में बीजेपी की एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। शाह के आगमन को ध्यान में रखते हुए पुलिस की बड़ी और कड़ी बंदोबस्ती की तैयारी कर दी गई है। महाविकास आघाड़ी सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री रही और कांग्रेस के दिवंगत नेता एकनाथ गायकवाड़ की बेटी वर्षा गायकवाड़ को मुंबई की नई कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। भाई जगताप को इस पद से हटा दिया गया है। मुंबई से सटे मीरा रोड में जिस 32 साल की सरस्वती वैद्य नाम की महिला की हत्या मनोज साने नाम के शख्स ने की, उसके बारे में कई नए खुलासों ने चौंका दिया है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की ओर से 20 फरवरी को दर्ज रिश्वत जबरन वसूली मामले में पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट में पुलिस ने सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की फोन चैट को भी शामिल किया है। सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की चैट में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के किए गए मैसेज का भी जिक्र है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। साथ ही ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत और उनके भाई सुनील राउत को जान से मारने की धमकी भरा कॉल करने वाले दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। आप बने रहे हमारे साथ में एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।